तो गाइस अभी ये जो आवाज़ आ रही है ये इस माइक की है। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। तो एक ट्राइपॉड मुझे कम पड़ रहा था क्योंकि जब मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाता हूँ तो एटलीस्ट दो वीडियो एंगल्स रहते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे रहेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा है, हम फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हैं। तो क्या है ये प्रोडक्ट, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे टाइटल से तो आपको पता चला रहेगा प्रोडक्ट क्या है, लेकिन मैं इनको खोल के दिखाता हूँ। काफ़ी दिन हो गए ये आके, ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो गए, लेकिन इसको टाइम ही नहीं मिला मुझे खोलने के लिए, क्योंकि थोड़ा बिजी था। घर पे गणपति थे और बहुत सारा काम चल रहा था। तो यह हमारा पहला प्रोडक्ट है, विच इज़ अ ट्राइपॉड। आप देख सकते हो बहुत बेसिक है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत बेसिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं ऑलरेडी ये इसी का एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अभी जो कैमरा जो सेट है वो इसी ट्राइपॉड पे है। तो एक ट्राइपॉड मुझे कम पड़ रहा था क्योंकि जब मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाता हूँ तो एटलीस्ट दो वीडियो एंगल्स रहते हैं, और एक ट्राइपॉड पे लगाता हूँ और दूसरा में एक छोटा सा स्टैंड है, बट इट इज़ नॉट अ स्टेबल स्टैंड। यूजुअली जो गोप्रो के साथ आता है ना, जो आप फोल्ड करके यंत्रालय का, मैं इसका लिंक भेजूँगा। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट इस काम के लिए बनानी है वो। इसके लिए एक प्रॉपर ट्राइपॉड चाहिए ताकि आपके दोनों कैमरा स्टडी रहें। तो अभी मुझे ये जो सामने वाला कैमरा है, अभी जिसमें मैं देख रहा हूँ, ये मैंने उस पर लगाया है। थोड़ा डर रहता है कि ये गिर सकता है। तो चलो, ये मैंने आपको दिखाया ये प्रोडक्ट। इसको भी तीन इसमें ये खुलता है, सो दिस इज़ 1, 2 एंड दिस इज़ द थर्ड। इसके अलावा ये यहाँ से भी होता है। तो आपका जो बेसिक ब्लॉगिंग वगैरह है उसके लिए ये अच्छा है, और इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल। कुछ 350 का था है। इसका लिंक मैं शेयर करूँगा। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन 6 मंथ्स, जो मेरा पुराना वाला है, दिस इज़ द सेकेंड वन। सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अभी तक तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आया। 350 के प्रोडक्ट में से आप ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप बताइए। तो गाइस, ये ट्राइपॉड के साथ आपको और भी एक्सेसरी लगेगा, मतलब ये इसके साथ दिया जाता है। इसमें आप आपका मोबाइल लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको कैमरा लगाना है, मतलब DSLR तो इसमें नहीं लग सकता, DSLR का वेट ये नहीं ले पाएगा। आपको अगर एक्शन कैमरा, मैं तो मेरे पास एक एक्शन कैमरा, दूसरा है आईफोन जिससे मैं शूट करता हूँ। तो एक्शन कैमरा मैं इस पर लगाता हूँ। एक्शन कैमरा के लिए इसका आपको एक माउंट आता है, वो लगाना पड़ेगा, तभी आप इस पर एक्शन कैमरा लगा सकते हो। लेकिन इसमें ये डिफ़ॉल्ट मोबाइल का माउंट आ जाता है, तो आप सीधा इसमें मोबाइल लगा सकते हो। तो अभी हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है, विच इज़, इसको कम से कम 15 दिन हो गए आके, मैंने इसको अभी तक खोला भी नहीं क्योंकि मुझे इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना था। आप देख सकते हो अभी तक इंटैक्ट है, खुला ही नहीं मैंने। तो इसको खोलते हैं अभी। सो दिस इज ग्रीनारो। ये वायरलेस माइक है। मैंने काफी सारे वीडियो रिव्यूज देखे थे इसके, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको यूज कर रहे हैं, और मतलब और अच्छा खासा इसका रिपोर्ट था। सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द वारंटी कार्ड। इसके अलावा ये है इसका, ओके, ये चार्जिंग केबल है। ये सी टाइप है, आप देख सकते हो, USB, ये सी टाइप है।
और ये एडाप्टर है, मतलब आईफोन के लिए इसको लगा सकते हो आप, इसको इसमें सीधा इसमें भी लगा सकते हो, और पता नहीं ये ओके ओहो ये सी टाइप है, और यहाँ से ये 3.5 mm का जो आपका माइक है ये लगेगा इसमें। और क्या है इसमें, सो दिस इज द वायरलेस माइक, आप देख सकते हो केस काफी खूबसूरत है, मतलब अगर आप हाथ में इसको रखते हो इसका फिनिश बहुत प्रीमियम फिनिश है, यू द टच वगैरह। ये ऐसे कुछ है, तो ये जो केस है इसमें ये चार्ज भी होता है, मतलब यहाँ पे आप यूएसबी लगाओ और इसमें चार्ज करो, और जहाँ तक मुझे मालूम है इसमें ऑलरेडी पावर स्टोर भी होता है, मतलब अगर आप चार्जिंग में नहीं हो आप अगर इसमें ये डालते हो ऐसे तो इसका चार्जिंग अपने आप शुरू हो जाता है, यूएसबी से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, काफ़ी प्रीमियम है इसका लुक, तो अभी मैं इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, इसका डिटेल्स थोड़ा मुझे मालूम है, मैं अभी काम करूँगा, अगली जो आवाज़ आएगी वो आपको इससे आएगी। सो गाइस अभी ये जो आवाज़ आ रही है ये इस माइक की है, आप बता सकते हो कि पहली आवाज़ कैसी थी मेरी और अभी की आवाज़ कैसी है, इसमें कुछ फ़र्क पड़ा है क्या। और सो पैकेज में ये कुछ लिटरेचर है जिसमें हाउ टू यूज़ ये बताया, इसका मैनुअल है, इसके अलावा ये चार्जिंग केबल है, ये एक यूएसबी अडाप्टर है जिसमें ये 3.5 mm का माइक लग सकता है, ये केस है जिसमें ये चार्ज होता है, और ये बॉक्स है, दैट्स इट। इसका रिव्यू वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब एक दो हफ्ते या 15 दिन एटलीस्ट अ मंथ, तो ये मैं यूज़ करूँगा और आपका इसका मैं एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊँगा कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस। सो गाइस आप कमेंट करके बता सकते हो कि पहली वाली मेरी जो आवाज़ जो सीधा डिवाइस पर रिकॉर्ड हो रही थी वो कैसी है, और ये माइक के थ्रू ये कैसे आ रही है, तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो फिर इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, होप सो ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, फिर से हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नई लोकेशन पे, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी अ मोटो व्लॉग क्योंकि कुछ प्लान है जाने का कहीं पे, तो मैं आपको अगले वीडियो में डिस्क्लोज़ करूँगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।